हाई स्टूडेंट्स हेलो एवरी वन हाउ यू ऑल डू एंग लेट मी न्यो इन द कमेंट बॉक्स इफ हम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज टूडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट सेट ऑफ सैम्पल क्वेस्टन पेपर मतलब हमने ऑलरेडी सी बी एस ई अकेडमिक डॉट ए सी डॉट इन के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कर रखे हैं एक सेट आज एक और सेट करेंगे ठीक है ना तो फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो इफ एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू टुडे वी आर गोइंग टू डू द सैम्पल पेपर ऑफ बच्चा पार्टी ओके सैम्पल पेपर आज हम टू करेंगे सोशल साइंस का ओके फॉर आल दिस आर न्यू आई एम रश्मि सिंह योर टीचर आर एस वाई टी इज़ माई कोड एंड बच्चों आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आपके लिए आपके कन्वीनियंस के लिए सारे लिंक डाले हुए हैं यू जस्ट हैव टू बी प्रो एक्टिव एंड जॉइन ऑल द लिंक सो दैट यू कैन गेट ऑल द मटेरियल उसके अलावा बच्चों एन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है उसकी पूरी तैयारी आपके यहाँ पे कराई जा रही है अकेडमी के ऊपर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटी मिलेगी पी वाई क्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज डी पी पी मिलेंगी एंड एग्जाम का एक स्केड्यूल सिलेबस एवरीथिंग विल गेट कवर्ड जस्ट गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूज द कोड आर एस वाई टी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट एज वेल इफ यू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स सो ना विदाउट एनी फर्दर लेट अस जस्ट जम्प इन टू द सैम्पल पेपर ओके तो आई थिंक ये वाला ये जो पर्टिकुलर हमारा वेबसाइट है ये सबको क्लियर है सबने देख रखा है यस yes? हाँ जी एकदम जल्दी से शुरू करने वाले हैं हाय फरदीन हाय ए टू ए शॉट्स हाय सेल्फ रिस्पेक्ट हाय ऋतिक अरे बेटा कुछ ना थोड़ा सा लिटल बिट ऑफ प्रॉब्लम वाज़ देयर टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई क्लास है ना हाय ऋतिक हेलो एवरीवन हाय मनवीत तो ये सीबीएसई अकेडमिक डॉट ए सी डॉट इन की स्लाइड uh, है यहां पर आज हम सोशल साइंस का जो पी क्यू है ना वो करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ सेट वन ठीक है आज सेट वन की प्रैक्टिस जो है वो हम करने वाले हैं ओके okay? चलो देखते हैं <laughs> दिख रहा है सबको आई होप इट्स क्लियर नाउ राइट इज इट विजिबल टू everyone? Completely कंप्लीटली क्लियरली विजिबल एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा आप बताओगे नहीं ना तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा इफ like लाइक इट इज विजिबल और नॉट आई नीड बेटा साइट का नेम है सी बी एस सी डॉट अकेडमिक डॉट ए सी डॉट इन सी बी एस सी अकेडमिक डॉट ए सी डॉट इन दिख रहा है क्या क्लियर है ओके ग्रेट 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 फरदीन बहुत अच्छा फरदीन बहुत प्रोएक्टिवली रिप्लाई कर रहा है थैंक यू बेटा वेरी गुड चलिए तो आई थिंक इतना तो सबको पता होगा कि आपके पेपर का जो कोड है वो है होता है जीरो एट सेवन सोशल साइंस का राइट right? और यहाँ पर आप देख सकते हो तीन घंटे का एग्जाम होगा है ना और पूरा पेपर पैटर्न आपका वही है जो एक्चुअली में आपके फाइनल एग्ज़ाम का लाइक मेन एग्जाम का पैटर्न है कि सेक्शन है हमारे पास ई पहले बीस क्वेश्चन एम सी क्यू हैं फिर आपके दो नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे देन यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क फिर आएगा आपका फाइव मार्क वाला क्वेश्चन आपका मैप क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन यही फॉर्मेट हमेशा से हमारा रहा है तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है हाउ वॉज द रॉलेट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन परसिव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस सो जो हमारा <clears throat> रॉलेट एक्ट है उसके ऊपर बेस्ड है अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहा है बट ठीक है हम ट्राई करेंगे इसको पढ़ने का लेट्स सी इट वाज व्यूड एज अ एज्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस ये एक ऐसा लॉ है जो कि फेवर में है इंडियंस के इट वॉज कंसिडर्ड एज सीवियरली कल्टेलिंग द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी मतलब इससे हमारी पर्सनल लिबर्टी की राइट को कम किया जा रहा था इट वॉज सीन एज अ नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट कम्यूनल टेंशन इससे हम लोग कम्यूनल टें टेंशन ख़त्म कर रहे थे इट वॉज रिगार्डेड एज अ सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश सोल्जर्स क्या होगा आंसर पहला ऑप्शन है इक्वालिटी दी जा रही थी दूसरा ऑप्शन है फ्रीडम जो है वो छीन ली जा रही थी तीसरा ऑप्शन है कम्यूनल टेंशन मतलब रिलीजन के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं उसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे थे रॉलिट एक्ट के थ्रू या ब्रिटिश सोल्जर को प्रोटेक्ट कर रहे थे यस वेरी गुड हाय हेलो एवरीवन द करेक्ट आंसर इज बी है ना बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इज हमारी पर्सनल लिबर्टी को कटेल किया जा रहा था कम किया जा रहा था ओके नाउ द सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अंकुर अ रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान अंकुर राजस्थान का रहने वाला हैज हाउस सबमोसिबल मतलब ऐसा वॉटर पंप जो पानी में सबमोज हो जाए केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्राम डेप्थ ऑफ टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड मीटर दिस प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग सिमला पम्प्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अक्रॉस द स्टेट पूरे स्टेट के अंदर ऐसे पंप लगा करके अंडर ग्राउंड वाटर को टैप करने का ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली लीड टू इन नियर फ्यूचर अगर सभी लोग ऐसे अंडर ग्राउंड वाटर को टैप करने लगेंगे एक एक सबमोसिबल पम्प लगा करके तो क्या होगा इट विल डिक्लाइन द ग्राउंड वाटर क्वालिटी ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी इट विल रिड्यूज द मानसून वाटर रिसोर्स जो मानसून में पानी आती है उसको कम कर देंगे इनक्रीज नंबर ऑफ वाटर बोन डिजीज डिजीज होने लग जाएंगी वाटर एज स्केर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन व्हाट विल हैपन बताओ क्या होगा क्या प्रॉब्लम होने की संभावना है डी ऑप्शन वेरी गुड मनवीत वेरी गुड राम की आर्ट वेरी गुड फरदीन खान यस वाटर स्कैरसिटी होने की प्रॉब्लम है क्योंकि आप एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो अच्छा ये क्वेश्चन पे आ जाओ अरे <laughs> ये क्या जादू मंत्र है चलो ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिख रहा है बच्चों एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज टू मेजर द रियल टाइम एयर पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम एयर पॉल्यूशन काउंट कर सकते हैं अ अगर बहुत ज्यादा ए क्यू आई मतलब पल्यूशन ज्यादा है यहाँ पे देखो जगह दे रखे हैं ये पी वाला जगह है ये क्यू है ये आर है और ये एस है ठीक है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मार्क ऑन द मैप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली बेटर ए क्यू आई तो आप पी में देख सकते हो एक दो तीन चार और पाँच यहाँ पर टोटल फाइव आपके थर्मल पावर प्लांट हैं क्यू में चार हैं आर में वन है और एस में तीन है तो कहाँ पर बेटर एयर क्वालिटी होगी मतलब लेस पॉल्यूशन होगा पी क्यू आर एस में से पी क्यू आर एस क्या होगा बताओ पी में पांच क्यू में चार आर में एक और एस में तीन है पावर प्लांट्स हाय सुशांत हाय हेलो एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग हाय डायनामाइट आर में पॉल्यूशन कम होगा क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही पावर प्लांट है सो एज़ कम्पेयर टू फाइव पावर प्लांट्स इट विल एमिट लेस अ स्मोक राइट वेरी गुड गाइज बहुत अच्छा गुड वेद नाउ दिस इज फॉर विजुअली एम्पेयर लेकिन हम लोग देख लेते हैं ना क्योंकि आई थिंक प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है विच मेथड ऑफ़ एनर्जी प्रोडक्शन इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब एन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है कौन सा तरीके का एनर्जी प्रोडक्शन प्रैक्टिकल फॉर पावरिंग होम्स अक्रॉस द रीजनस इन इंडिया कोल फायर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट या फिर डीजल पावर प्लांट कौन सा बेटर है फॉर द एनवायरनमेंट एडिशनल क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं बेटा ऑलरेडी सेट टू सॉल्व कर लिया है अब हम सेट वन सॉल्व कर रहे हैं आज फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग ना पिछले साल का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे सी का ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड मनवीत संगीता राम की आठ हाँ जी इक्की बिल्कुल बेटा स yes. तो सोलर पावर प्लांट इज मच बेटर बिकॉज इट विल नॉट एमिट एनी काइंड ऑफ पल्यूशन राइट चलो अब देखते हैं रीना 28 साल की एक महिला है फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी मतलब बेसिकली पिछड़े कम्युनिटी uh, से मार्जिनल का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से एक महिला है अशिक्षित है बट अडेप्ट एट मेकिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लेकिन उसको ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बनाना आता है ठीक है तो एक अट्ठाईस वर्ष की महिला है पिछले वक्त से है अशिक्षित है बट उसको हैंडीक्राफ्ट्स बनाना आता है हर फैमिली टॉयज हार्ड टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील्स तो टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता अकॉर्डिंगली विच डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वुड नॉट बी द मोस्ट क्रूशल फॉर इम्प्रूविंग रीनाज एंड हर किन्स वेल बींग इनमें से कौन सा डेवलपमेंट गोल इनके गोल के साथ अलाइंड नहीं है उसका कोई मतलब मतलब नहीं है इससे कोई फायदा नहीं है रीना को और उसके जो भी भाई बहन या जो भी उसके रिश्तेदार हैं इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी इन रीनास कम्युनिटी रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन रीनास कम्युनिटी क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रीना एंड अदर आर्टिजन ओ सॉरी कौन सा ऑब्जेक्ट है सबसे ज्यादा क्रूशियल है आई मिस रेड इट जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो बताना आपको

इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी ग्लोल है उनमें बहुत बड़ी समस्या है सीरियस प्रॉब्लम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू आई आई सर्वे कवरिंग एटी किलोमीटर ऑफ अवरलाइंस अक्रॉस द थार डेजर्ट फाउंड फोर बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड डेथ्स ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर ड्यू टू हाई ट्रांसमिशन वायर्स हाई ट्रांसमिशन वायर्स की वजह से जो बस्टर्ड बर्ड होती है वो मर गई चार बर्ड्स मर गई है ना जबकि वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं इंक्लूडिंग सम कनेक्टेड टू विंड टर्बाइंस शुड द इंस्टॉलेशन ऑफ सच पावर लाइन बी रिकनसिडर्ड इन एरिया वे सच स्पीसीज आर फाउंड क्या हमें ऐसे जगहों पर ऐसे विंड टर्बाइन वाले ट्रांसमिशन लाइन वाले जो भी प्लांट्स हैं वहाँ लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए येस ऑल्टरनेटिव मेथज ऑफ पावर जनरेशन शुड बी एक्सपोर्ट मे टू मिनिमाइज दिस रिस्क येस द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडावर्सिटी इज़ द ओनली गोल वी शुड बी प्राय प्रायोरटाइजिंग हाँ लगा दो है ना ऐसा कहा जा रहा है पहले वाले ऑप्शन में ओके okay. ऑल्टरनेटिव uh, जो है वो ढूंढो मिनिमाइज रिस्क करने के लिए सेकेंड बोल रहा है कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए नो द बेनिफिट्स ऑफ पावर लाइन आउटवे द नेगेटिव दैक्ट ऑफ द स्पीसीज नो द स्पीसीज इज नॉट येट एक्सटिंग एक्सटिंक्ट एंड करेंटली नो एक्शन नीड्स टू बी टेकन तो सी और डी तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, है ना <laughs> अब बताओ इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप संकेत yes, आपका आंसर सही है बेटा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है बेटा क्रिटिकली है। तो देखो बच्चों ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का गोल ही प्रायोरिटाइज करना है लोग अंधेरे में तो नहीं रह सकते ना तो इसीलिए ये, ये देखो यहां क्या लिखा कितना है कितना स्ट्रांग स्टेटमेंट है द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज द ओनली गोल विच शुड बी प्रायोटाइज क्या यही इकलौता गोल है जिसको प्रायोटाइज करना चाहिए ऐसा तो नहीं होता है ना इसलिए इसका आंसर ए होगा आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने चाहिए सो दैट रिस्क कम हो बट इसका मतलब ये थोड़ी है पावर प्लांट ही हटा देंगे फिर बाकी लोगों को कहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी ठीक है चलो नाउ लेट एस सी दिस वन असर्शन एंड रीजन है जर्ड एनिमल पे ध्यान तो देना है लेकिन goal, ना? <laughs> बहुत सारे है, वो एक दूसरे के साथ मतलब सबको साथ में लेते हुए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना वी कैन नॉट कट द इलेक्ट्रिसिटी ना जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज इसलिए कुछ ऑल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का चलो ये देखो असर्शन कह रहा है पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी पावर शेयरिंग करोगे सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें झगड़ा नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा पावर शेयरिंग एनशोर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग पावर शेयरिंग से हर सोशल ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलता है रिड्यूसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इससे पिछड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ापन खत्म होता है सबको हम लोग क्या करते हैं इंक्लूड करके चलते हैं तो बताओ सही है A A A true, true. R false. A false, are true. Both A and R are true. R explains A. Both A and R are true, but R does not explain ये A क्या होगा आंसर इसका आंसर C होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इन एन इंडियन स्टेट कम्यूनिटीज़ एक्स एंड वाई हैव बिन इंगेज इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर इश्यू ऑफ़ को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग एक को इंडिया का राज्य है वहां पे बेटा एक्स और वाई कम्युनिटी है आपस में लड़ रहे हैं क्यों लड़ाई कर रहे हैं तो को के लिए हम लोग साथ में नहीं रह सकते करके और रिसोर्स हम शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर हमें ज़्यादा रिसोर्स दो उनको कम दो उनके पास ज़्यादा है हमें भी उतना ही चाहिए ऐसे झगड़ा हो रहा है एक स्टेट के अंदर दो कम्यूनिटीज द टेंशन हैव इंटेंसीफाइड टेंशन बढ़ गई है लीडिंग टू अ डिमांड टू फॉर्म लीडिंग टू अ डिमांड फ्राम बहुत कम्युनिटीज़ फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बोल रहे हैं हमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इस स्टेट को अलग अलग हिस्से में तोड़ दिया जाए दट इज़ द बेस्ट रेजोल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट क्या करना चाहिए चलो तुम एक आई ए एस हो एक रीजन के कलेक्टर साहब हो वहाँ पर दो कम्युनिटी हैं भाई दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं रिसोर्सेस का शेयरिंग जो है ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं तो अब तुम आई कलेक्टर हो तुमको बताना है क्या सोल्यूशन होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से कोलेपसिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स इनफिशियंसी इन गवर्निंग द स्टेट प्रेजेंट गवर्नमेंट को हटा दो खत्म कर दो डिसमिस कर दो डिलेइंग द डिमांड ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेन्टेनिंग द करेंट पावर स्ट्रक्चर तुम बोलोगे अरे रहने दो लड़ रहे हैं ना लड़ने दो ये जो सिस्टम है सही चल रहा है और पावर डिविजन का जो भी है उसको आप बोलोगे डिले करते रहोगे टालते रहोगे बेसिकली इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू कंट्रोल द मूवमेंट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटी एक आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाओगे कि ये दोनों कम्युनिटीज आपस में कम से कम इंटरैक्ट करें कम से कम इनका मेल जोल हो स्टेब्लिशिंग अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर बोथ डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाओगे तुम कि दोनों कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में बताओ क्या होगा आंसर डी वाह यार अमित सोनू फरदीन वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल यार यस बीइंग अ कलेक्टर आप डी वाला ऑप्शन चूज करेंगे है ना बिल्कुल सही यार तुम लोग सब आई बन गए सही सही डिसीजन मेकिंग ले रहे हो विच ऑफ़ द फॉइंगट इंडिकेटर ऑफ अक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एकदम सक्सेसफुल है चारों में से कौन सा एग्जाम्पल सही है फ्री इकोनॉमी डिक्टेटेड बाई मार्केट फोर्सेज फ्री इकनॉमी चल रही है ना मार्केट खुद डिसाइड कर रहा है कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा प्रोविजन ऑफ बेसिक अम्युनिटीज टू दिटीजन सिटीजन को बेसिक अम्यूनिटीज मिल रही है मतलब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है स्टेबलिशमेंट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट इंस्टीट्यूशन है जो जनता की राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही है बताओ क्या होगा आंसर अमित टाइम बी बोल रहा है सोनू कुमार बी बोल रहे हैं What about others, guys? Please share the video with your friends and ask everyone to join, guys. क्या होगा आंसर बच्चों बताओ ओके okay. तो इसका आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन ठीक है डी ऑप्शन होगा

सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या होगा डेमोक्रेटिकली इकोनॉमी हो जाएगी मतलब इकोनॉमी डेमोक्रेटिकली आपके लिए यूजफुल हो जाएगी एंड सेकेंडली दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ बोथ दीज आर करेक्ट ठीक है दोनों ही बिल्कुल सही है बच्चों ओके तो बोथ एंड आर 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 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन द प्रिंसिपल ऑफ सबाइज इज दैट डिसीजन शुड बी मेड द पीपल हु आर मोस्ट अफेक्टेड देम देखो अगर आपके सब्सिडियरीज हैं तो एक रूल लगता है वहाँ पे क्या रूल लगता है कि जिनसे जिनके ऊपर कोई डिसीजन थोपा जा रहा है उनसे एक बार पूछ लो ठीक है अगर आपके बहुत सारे ब्रांचेज हैं सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है आपके बहुत सारे अगर ब्रांचेज हैं तो जिनके ऊपर तुम डिसीजन थोपने वाले हो उनसे कंसल्ट करो प्रमोटिंग डी सेंट्रलाइजेशन एफिशियंसी इन सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंस गवर्नेंस विद हायर लेवल ऑफ़ अथॉरिटी इंटरवीनिंग ओनली वेन लोअर लेवल अथॉरटीज़ आर अनेबल टू अड्रेस सर्टन इशूज इफेक्टिवली और उनको आप डिसीजन मेकिंग खुद लेने दो आपके जो ब्रांचेज हैं जब वो सक्षम नहीं होंगे तब जा कर के आप इंटरवीन करो जैसे कि पंचायत वगैरह में होता है वैसे वो जो पंच लोग हैं और सब लोग मिल कर के खुद डिसाइड कर लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं तब जा कर के हायर लेवल वाले इंटरवीन करते हैं ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट हैं बट एग्ज़ाम में आजकल ऐसे ही आते हैं Because you know competency-based questions, right? Ad as some These have become quite common. Hana? So they answer key. Which of the following constitutional principle legislation is in close alignment with the principle stated above? Separation of power between executive, legislature, judiciary. डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट लोकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म ज्वाइन पोलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपको आंसर करना है टेन और फिर ऑप्शन लिखो टेन एंड देन राइट द ऑप्शन हाँ बेटा मैं ऐप में भी क्लास लेती हूँ आप अटेंड करते हो क्या अटेंड करते हो ओके okay, चेल्सी आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पर ना <laughs> यहाँ पर देखो लोकल आ गया ना जैसे ये देखो लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी लेवल आ गया तो लेवल से ही समझ जाओ सेंट्रल देन स्टेट एंड देन लोकल लेवल यानी कि इसका आंसर जो है बी होगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको ऐसे की समझने पड़ेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी ये तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना इसलिए जिनका आंसर ए लिखा है वो गलत है बी वाला सही है अब देखो इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है वर्ल्ड आपस में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो रहा है कंट्रीज आपस आपस में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हो रही हैं ऑफ़ द वर्ल्ड थ्रू द फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज कैपिटल आइडियाज एंड पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जाम्पल रिप्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन अब इन चार में से एक एक्जाम्पल बस आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन का क्या है ग्लोबलाइजेशन का ऊपर डेफिनेशन बता दिया तुमको क्वेश्चन में अब तुम एग्जाम्पल में बताओ कौन सा है ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पोर्टल फॉर गुड्स सोल्ड बाई लोकल वेंडर रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ये सब कुछ तो एक ही देश के अंदर हो रहा है तो ये तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ एन आइकिया स्टोर इन बेंगलुरु सेलिंग प्रोडक्ट्स इन चाइना आइकिया जो है वो जर्मनी की कंपनी है जो कि सामान वगैरह बनाती है लेकिन वो स्टोर अपना खोल रही है बेंगलुरु में और सामान बेच रही है चाइना का बनाया हुआ एक ट्रेडिशनल वियतनामीज मार्केट है जो कि हैंडीक्राफ्ट सेल कर रही है हनोई में तो वियतनाम के अंदर ही हनोई है उसका कैपिटल है अ संडे मार्केट सेलिंग ग्रोसरीज प्रोड्यूस लोकली ये सब लोकल है बेटा ए सी एंड डी सिर्फ एक बी वाला जो है वो बता रहा है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है हाँ जी वेरी गुड हेलो 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 संजीव वेरी फंदी फरदीन वेरी गुड सोनू द इंडियन मासिस विलिंगली जान बूझ कर पार्टिसिपेटेड इन सी डी एम मूवमेंट डिस्पाइट द चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन सी डी एम में फिर भी पार्टिसिपेट किया एन सी एम में बड़ा बड़ा चैलेंज बहुत सारा चैलेंज झेलना पड़ा फिर भी सी डी एम में पार्टिसिपेट किया है ना अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आउटलुक ऑफ द मासिज लोगों की सोच लोगों की विचारधारा जो थी वो कैसे समझ में आती है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम एन आई फॉरिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड इन जस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर ओबीडियंस इज द की टू अ पीसफुल सोसाइटी ओबीडियंस तो हम नहीं कर रहे थे है ना तो यहाँ क्या बोला जा रहा है नॉन कोऑपरेशन में तुम फेल हो गए फिर भी सीडीएम में पार्टिसिपेट किया मतलब यही वाली बात हो गई ना कि तुम फेल हो गए लेकिन फेल होने से फर्क नहीं पड़ता है वापस से राइज होना वो इम्पोर्टेंट है ए होगा हो हो बताओ तुम क्योंकि इसमें कंपैरिजन है ना बेटा देखो बोल क्या रहा है समझो क्वेश्चन को समझो बोल रहा है कि एनसीएम में फेल होने के बावजूद भी लोगों ने सी में हिस्सेदारी दिखाई मतलब एक मूवमेंट में हार गए तुम आप एक गेम में हार गए फिर भी आपने नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट ईयर एक कंपटीशन था इस साल किया तुमने हार गए लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से कंपटीशन हुआ तो तुमने पार्टिसिपेट किया दैट मींस आप फॉल करने में बिलीव नहीं करते हो ना द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइफ नॉट इन नेवर फॉलिंग फॉल तो हमेशा इंसान करेगा बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल लेकिन अगर आप गिरे हो तो उससे सीख करके नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म किया लेसन लर्न करने के बाद तो इसका आंसर ए होगा समझ आया बताओ मुझे अभी समझ आया नहीं आया तो मैं आपको और फाइव टाइम समझाऊंगी बेटा डोंट वरी <laughs> कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो आया समझ सबको यस मैम ओके फॉर दीन वेरी गुड थैंक यू गिवेन बिलो इज़ द पेंटिंग ऑफ एम्पीरियल फेडरेशन मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर देखो ये है ब्रिटेन जो है ना वो कहाँ पर है मैं तुमको बताती हूँ ब्रिटेन इज हर यहाँ पे छोटू सा है ठीक है सेंटर में कहीं पर लेकिन इसकी कॉलोनी यहाँ पर भी थी

ट इमेज दर्द्स फ्रीडम फ्रटर्निटी रिटन एट दिस्ट डिपेक्टिंग होल्डिंग दर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर तो कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग है ए बी सी डी में से पहला बोल रहे हैं ब्रिटिश शोल्जर हैं ब्रिटिश कॉलोनी है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में फैले हुए हैं इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे है ना द वायटी ऑफ एनिमल कॉस्ट्यूम डिपिक्टिंग कंट्रीज एंड दीपल इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है ब्रिटानिया जो है वो ब्रिटेन की परसोनिफिकेशन है और वो फेडरेशन को दिखा रही है टॉप ऑफ द इमेज फ्रीडम फ्रटर्निटी रिटर्न एट द टॉप एंड एटलिस्ट डिपिक्टिंग ह्यूमन लेबर एंड होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर तो फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी लिख करके तुम लोगों से लेबर करवा रहे हो हाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं है ऊपर लिख दिया फ्रीडम फ्रिटर्निटी और नीचे पूरा का पूरा सारा वर्ल्ड लेबर के ऊपर बर्डन है है ना पूरे लेबर्स के ऊपर बर्डन है वर्ल्ड का तो डी वाला ऑप्शन होगा समझ आ रहा है क्या सी होगा डी होगा डी वाला ऑप्शन होगा सी इसलिए नहीं होगा बेटा बिकॉज ब्रिटानिया जो है वो डेफिनेटली एक जो है पर्सोनिफिकेशन है वो वो बता रही है कि पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही है ठीक है ब्रिटानिया द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन सीटेड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड फेडरेशन रिटेड ऑन द टॉप ऑफ द इमेज एक्चुअली ब्रिटानिया पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही है वो ब्रिटेन है और ब्रिटेन के अंदर तो फेडरेशन था ना तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ कॉन्ट्रास्ट ये हुआ कि तुम बोल रहे हो फ्रीडम फ्रेटर्निटी और एक्चुअली में क्या कर रहे हो कुछ लोगों को लेबर बना के रखा हुआ है ये कैसा भाईचारा है तुम मेरे भाई हो चलो मेरा प्यार दबाओ है ना तुम मेरे भाई हो तुम सारा काम करो तुम गेहूं उगाओ चावल उगाओ और हम लोग ना ब्रिटेन में बैठ करके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे इन्जॉय करेंगे तुम्हारे यहाँ से कोहिनूर लूट के ले जाएंगे नहीं नहीं लेकिन हम लोग भाईचारा ही कर रहे हैं नहीं नहीं तुमको तो मैंने आज़ादी दिया हुआ है बस तुम्हारे यहाँ से कोही नूर ही तो लेके गए हैं हम और पिकॉक थ्रोन ही तो लेकर गए हैं उसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है हम तो भाई है ना तो तुम दे ही दोगे ना कोही नूर हमें पिकॉक थ्रोन गिफ्ट तो कर ही दोगे ना बताओ ये कॉन्ट्रास्ट है ना <laughs> ये नहीं है अब समझ आया तो उनके अकॉर्डिंग वो यही कह रहे थे ब्रिटेन वाले लोग बट क्या ये सच में ऐसा था ब्रिटेन बोल रहा है कि तुम तो मेरे भाई हो ना भाई तो तुम दे दो ना कोहिनूर, नूर तुमने गिफ्ट किया है मुझे कोहिनूर, नूर तुमने मुझे पिकॉक थ्रोन को नूर की पिकॉक थ्रोन गिफ्ट किया है बट इंडियंस थोड़ी बोलेंगे हमने गिफ्ट किया है हम तो ये बोलेंगे ना तुम लूट के ले गए थे तुम लुटेरे हो तुम भाई थोड़ी हो लुटेरे हो तो ये कॉन्ट्रास्ट हुआ ना अब समझ आया क्या <laughs> फरदीन <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं क्या मतलब बहुत ही लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आया ना तो एट्टी में से सिक्सटी से हाइस्ट ज़्यादा नहीं जा पाएगा सिक्सटी सिक्सटी फाइव ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं रीड द इनफॉर्म एक तो सी बी एस ई को सारा बदला तुमसे ही निकालना है ना कोविड के टाइम का बदला उसके बाद वाला टर्म वन टर्म टू का बदला उसके बाद जो एक बार सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाया मतलब ठीक ठीक था सिलेबस पिछले बार इस बार सबसे ज़्यादा जो चैप्टर डिलीटेड थे वो भी इंक्लूड हो गए तुम्हारे वाले बैच में जो सदियों से डिलीटेड थे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट बोला पढ़ो ऐसे कैसे नहीं पढ़ोगे <laughs> तुम्हारे बैच में ऐसे सब कुछ मसाला भर दिया है लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे रिलैक्सेशन भी दिया है एमएस से जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इतना बड़ा चैप्टर था वो कंसाइज कर दिया सोशल साइंस में तो रिलैक्सेशन दिया है बट हाँ क्वेश्चन पेपर जरूर टफ कर दिया यार ये तो है पिछले कई साल से ना ऐसे पेपर्स नहीं आए हैं <laughs> बली का बकड़ा बना दिया hmm, चलो पढ़ते हैं ओके रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द पेंटिंग अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर द ब्रिटिश एम्पायर कॉमरेट्स का मतलब होता है रिमेम्बर करना याद करना symbolizing its territorial holdings and influence across various regions of the world given below a few elements that have depicted in the painting identify the one which are conflicting when presented together the idea of freedom and imperialism colonial nations and colonies the occupation of farmer and soldier the british people from different backgrounds together so basically A the option hoga and at the same time लूट भी रहे हो भाई इंपेरियलिज्म भी कर रहे हो ये कोई बात थोड़ी हुई ओके okay, समझ आ गया ये कॉन्ट्राडिक्शन है अब दो स्टेटमेंट है बेटा असर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज व फंडामेंटली ऑल्टर्ड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग जैसे ही प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज preservation ऑफ नॉलेज सब बदल गया पुराने ज़माने में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था नॉलेज का फादर हैं चर्च के यहाँ बच्चे बैठे हैं लोग बैठे हैं उनको बता दिया कि देखो फलाना जगह में ढिकाना चीज़ है तो उस पर हमें विश्वास करना है सब लोगों ने मान लिया लेकिन प्रिंटिंग के बाद ऐसा नहीं था प्रिंटिंग के बाद सबके पास इंफॉर्मेशन थी तो सब सब अपने हिसाब से ज्ञान को एंटरप्रेट करते थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन क्रिएट करने लग गए ठीक है प्रिंटिंग इनेबल्ड इंटेलेक्चुअल्स टू प्रोड्यूस कमेंट ऑन एंड इवेल्युएट टेक्स्ट विच स्प्रेड एज आइडियाज़ अक्रॉस यूरोप प्रिंटिंग के वजह से जो भी पहले तो सिर्फ चर्च के फादर थे वो ज्ञान दे रहे थे कि बच्चों फलाना जगह पे ढिकाना चीज़ होती है ठीक है मान लिया लेकिन प्रिंटिंग आने के बाद जो भी एडुकेटेड लोग थे वो सब अपने आइडियाज प्रिंट कराने लग गए और वो लोगों के तक पहुंचने लग गए जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया एप्लीकेशन ऑफ आइडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज सब बदल गया जज्बात बदल गए है ना सब बदल गया क्या होगा आंसर बताओ असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स क्या होगा आंसर बच्चों आप खुद भी ट्राई करो आंसर करने का मैं तो बता ही दूंगी तुमको आंसर फटाफट से मैं तो आपको तीन घंटे का पेपर आधे घंटे में सॉल्व करा ही दूंगी ओ वाओ प्रथम ऑल द बेस्ट यार आईआईटी दिल्ली दैट्स ग्रेट अंशिका चौहान इट मे बी ए मैम इट मे बी डी मैम दोनों सही है बेटा असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं भाइयों और बहनों ठीक है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है सही तो है देखो ना मतलब नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्यों बदल गया क्योंकि अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हो गए ना सबने प्रिंटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन बांटना शुरू कर दिया जिससे पहले क्या होता था फैशन के बारे में कुछ लोग ही बताते थे है ना न्यूज होगा वो जर्नलिस्ट ही बताएंगे लेकिन आज के टाइम पर इतने सारे चैनल्स हैं इतना सारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है सभी लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वही चीज़ है ठीक है विच एम दॉलोइंग इस प्राइमरी फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया हमारे इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्यों है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अलग अलग है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से क्यों इंडिया में इतना सारा पार्टी है बच्चों बताओ क्योंकि एक्चुअली हमारा जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ठीक है ना हर जगह का कल्चर वगैरह सब कुछ अलग अलग है सेम लेवल पे एट द सेम लेवल इन इंडिया ओ सॉरी एट द सेम लेवल मतलब हर स्टेट के अंदर की बात हो रही है ना ऐसे oh, 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 oh. बीच में प्राइमरी फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एट द सेम ओके मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी क्यों है हमारे देश में बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पॉलिस डिसीजन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कूड पोटेंशली सर्व एज ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर क्या होता है एक तरीके से कुछ ऐसे रूल्स लगाना कि सामने वाले आपके देश में आकर के ट्रेड नहीं कर पाए अपना सामान आपके देश में नहीं बेच पाए सो बेसिकली ट्रेड बैरियर इज अ वे टू रिड्यूज़ द इम्पोर्ट्स इन द कंट्री बाहर से इम्पोर्ट होकर के सामान नहीं आ पाएगा स्ट्रेंदनिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर इंप्लीमेंटिंग हायर टेरिफ ऑन इम्पोर्ट प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो अगर कोई बाहर से सामान बेच रहा है और अगर हम उस कंपनी पे ज़्यादा टैक्स लगा देंगे टैरिफ लगा देंगे तो वो फिर यहाँ पे सामान नहीं बेचेंगे ना सो so, सी हो गया जैसे ना जो जो भी फ़ॉरन से गा गाड़ियाँ यहाँ पर इंडिया में बिकती हैं टेस्ला है या फिर फरारी है उन पे हंड्रेड परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी है अगर दस लाख की गाड़ी है तो बीस लाख में मिलेगी क्योंकि हंड्रेड परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी है ठीक है तो इस तरीके से हम ट्रेड बैरियर क्रिएट करते हैं क्यों करते हैं सो दैट हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स बिके ठीक है इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा बिके गिवन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाय नीलब बैनर्जी द रिनाउंड इंडियन कार्टूनिस्ट इलास्ट्रेटर कॉमिक्स आर्टिस्ट ओ शी शी डज नॉट वर्क शी इज अ अउसवाइफ ये कौन बोल रहा है कार में जाने वाला वॉट इज द कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट द डिपेक्ट दिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया

चूल्हा चक्का एंड जो मेल्स हैं वो बाहर का काम करेंगे इनकम जनरेटिंग वर्क व्हाट इज द कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर नेचुरल एंड अनचेंजेबल यही सेम क्वेश्चन है है ना तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर द टेबल गिवन बिलो हाइलाइट्स द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमिक इन इंडिया द डेटा ऑफ द इयर 2023 हैज एक्चुअल फिगर वाइल्ड डेटा ऑफ ट्वेंटी इज हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ ठीक है तो बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में 2023 में 44 परसेंट लोग काम करेंगे कर रहे हैं फिर 2040 में 20 हो जाएंगे फिर हाइपोथेटिकल सिनारीो टू है 60 हो सकता है या फिर 15 परसेंट हो सकता है इधर 25 का 45 हो जाएगा 31 का 35 हो जाएगा एक और सिचुएशन है बोल रहा है 25 से 20 हो जाएगा 31 का 20 हो जाएगा और लोग बढ़ जाएंगे ट्वेंटी में एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करेंगे एक और सिनेरियो बोल रहा है पंद्रह परसेंट लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे 2040 में चालीस परसेंट सेकेंडरी में टर्स में फोर्टी फाइव परसेंट विद ऑल रिमेनिंग द सेम विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन फ्यूचर इन तीनों में से किसमें ग्लोबल लीडरशिप में हम बहुत मतलब क्या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे वन में टू में या थ्री में वर्ल्ड के लीडरशिप में बताओ कौन सा सिनारियो इट्स सच एन अमेजिंग क्वेश्चन गाइज बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉम करने वाला क्वेश्चन है ये इन विच केस वी आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड लीडर्स एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न सो दे आर थ्री सीनारियो सिनारियो वन एज यू कैन सी 20% people are working in agriculture, 45% in secondary, 35% in tertiary. in scenario 2, 60% of the people are working in agriculture. if 60% of the people would work in agriculture, are we going to be the world leader, yes, or no guys? Jaldi, jaldi se batao. are we going to be a world leader? naina, na? so you just comment and i would come. In a minute. yes there is so obviously if if we just leave the scenario 2 in both the other scenarios we can be a world leader okay so scenario 1 and scenario 3 is the most likely to make us the world leaders based on the information given table which of the following statement is likely to be correct इन सिनारियो वन एंड टू सेकेंडरी सेक्टर विल नीड लीस्ट वर्कर्स वन और टू में सेकेंडरी सेक्टर में लीस्ट वर्कर चाहिए होंगे नहीं देखो सेकेंडरी सेक्टर में आपको लीस्ट वर्कर चाहिए होंगे सिनेरियो टू और थ्री में है ना सनेरियो टू इंडिया विल बिकअ मेजर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी सनारियो टू में है क्या सनारियो टू में तो ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ही है कहाँ से होगा द प्राइमरी सेक्टर इन सिनेरियो टू विल बी द हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द जी डी पी ऑफ द कंट्री द प्राइमरी सेक्टर इन सिनारियो टू यस सिनारियो टू में हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है इन सिनारियो वन एंड थ्री मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर तो यहाँ पे ऐसा नहीं है फोर्टी फाइव परसेंट यहाँ पर है तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दिस इज एक्चुअली थोड़ा सा ईजी ही है ये क्वेश्चन आपको बस ऑब्जर्व करना है ठीक है सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है ओके यस 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 ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे

अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है आंसरेबल सपोज करो मैंने आपको मॉनिटर बनाया क्लास के अंदर अब क्लास में अगर शोर हो रहा है तो तुम आंसरेबल रहोगे ना बिकॉज आई हैव इलेक्टेड यू एज द मॉनिटर सिमिलरली इफ आई हैव इलेक्टेड समवन एज द लीडर एंड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द कंट्री और इज नॉट गोइंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी अगर हमारे कंट्री के अंदर गड़बड़ हो रहा है तो हम उसी को तो मतलब क्वेश्चन करेंगे ना दैट पर्सन इज़ आंसरेबल ठीक है तो ये अकाउंटेबिलिटी होती है दिस इज़ वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी ओके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक आउटकम है इनफैक्ट डेमोक्रेसी का अकाउंटेबल होना फिर रिस्पॉन्सिबल होना एंड डेमोक्रेसी हैज़ टू बी ओबियसली पूरा लीगल ही होना चाहिए सब कुछ है ना लेजिटिमेट होना चाहिए okay very short answer question consumer affairs raids malda market malda market to check malpractices complaints were received that soft drinks were being sold at higher price which can consumer right to in our syllabus mein, but i think ye by mistake add added question hai na, so we'll, let's just ignore this Shruti performed a web search for teacher and found 80% of the images had women while search for the pilot mainly showed men

Is it an example of gender bias, sexual division of labor? Tell me. Of course, dekho, traditionally, you see? women have particular jobs, jo hai na, wo, kind of these are uh, traditional roles, traditional job roles assigned to a particular gender.

विच इज़ मोर देन फिफ्टी परसेंट दैट इज ओवर रेप्रेजेंटेशन ऑफ द जेंडर गेटिंग इट इन अ पर्टिकुलर जॉब रोल सो इट मीन्स दैट देयर इज अक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर सो यू कैन इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑल्सो बिकॉज देर इज रिटन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल तो आपको एक एग्जाम्पल नर्स का ले सकते हो और क्या होता है जहाँ पे फीमेल्स ही काम कर रही होती है लेकिन यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कुक्स इन इन लाइक वेरी लग्जूरियस होटेल्स आर मोस्टली मेल है ना लेकिन वहां पे फीमेल्स नहीं दिख रही होती है हमें जबकि घर के अंदर तो सारा का सारा कुकिंग का काम कौन करते हैं फीमेल्स करते हैं ठीक है सो ये बेसिकली बेटा आपका ना टू से ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका आंसर डिफर करेगा बच्चे टू बच्चे डिफर करेंगे एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसिस ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ पार्टी विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरनल डेमोक्रेसी सो so, पार्टी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सारे पार्टी के मेम्बर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है और इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो हाउ द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फॉर द इलेक्शन राइट जैसे कि अभी तो इलेक्शन वाला ही माहौल चल रहा है ना तो जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं ना वो मोस्टली आप देखते हो ना कोई ऐसा इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कोई अंदर ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है पोलिटिकल पार्टी के अंदर जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं ना वही इंडिया के अंदर कैंडिडेट्स इलेक्ट करते हैं देन दे कैंडिडेट्स फाइट द इलेक्शन एंड इफ दे वेन दे बिकम द मिनिस्टर्स बट सेम इज़ नॉट द केस इन यू के एंड यू एस ए जैसे आप लोगों ने यू के में भी देखा होगा ना ऋषि सुनाग जो है वो बन गए पी एम लेकिन उनको उनकी पार्टी के अंदर किसने टिकट दिया इलेक्शन के लिए किसने उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया बताओ क्या वहाँ पे भी टॉप पार्टी लीडर्स ऐसा करते हैं क्या लगता है आप लोग आजकल तो भाई वोल्ड कनेक्टेड है ना तो तुम्हें पता होना चाहिए अरे तुम तुम लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए इनफैक्ट हम लोग तो पुराने लोग हैं तुम लोग पॉलिटिक्स के अंदर अभी नए आए हो अभी अभी तुम्हें थोड़े दिनों के बाद तुम्हें वोटिंग राइट्स मिलने वाला है बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है देखो समझो क्वेश्चन ट्रिकी है तभी तो समझ नहीं आ रहा है सी एग्जामिन द पॉसिबल ऑन द बेसिक ऑफ द पार्टी मेंबर्स विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट लैक इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे ना तो बेसिकली क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है सब जस्ट गिवन यू वन एग्जाम्पल तो यहाँ पे क्या होता है ना इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से जो पार्टी के अंदर बिल्कुल ही ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं दे कैन नेवर राइज टू द टॉप ऑफ द टॉप पोजिशन इन द पार्टी जो ऑर्डिनरी मेंबर है उसको तो कुछ पता ही नहीं होता पार्टी में क्या चल रहा है है ना तो कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी ऑर्डिनरी मेंबर जो है वो कभी टॉप पोजीशन पे नहीं जाएगा और एक तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रहेगा जैसे तुम बॉलीवुड में सुनते हो नेपोटिज्म नेपोटिज्म तो वही चलता रहता है एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग जो हैं उन्हीं के बच्चे उन्हीं को फिर टिकट मिलता रहता है क्योंकि टॉप पार्टी लीडर्स ही कर रहे हैं ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वही तो कैंडिडेट इलेक्ट कर रहे हैं बट यूके के यू में ऐसा नहीं होता वहाँ पे फॉलोअर्स जो मेंबर्स होते हैं ना पॉलिटिकल के पार्टी के वो डिसाइड करते हैं और जो फॉलोअर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे यहाँ तो फॉलोअर्स कुछ डिसाइड ही नहीं करते <laughs> हमारा तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है ना बीजेपी किस टिकट देगी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से या कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी अगर मैं उसकी फॉलोअर हूँ तो मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं राइट एंड इट इज नॉट इवन पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज वी हैव सच अज पॉपुलेशन यू एस ए में भाई केस अलग है लोग ही बहुत कम है वहाँ पे है ना इसलिए वो चीज़ करी जा सकती है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं दे विल नेवर राइज टू द टॉप पोजिशन एंड देयर विल बी अ काइंड ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन गोइंग ऑन इन द पोलिटिकल पार्टी ये चलता रहेगा इन हाइपोथेटिकल डेमोक्रेटिक नेशन विदुलेशन दैट इज रिलीजियसली होमोजिनियस Should there still be multiple political parties? Justify your answer. तो बोल रहे हैं एक हाइपोथेटिकल नेशन है ठीक है बहुत ही हाइपोथेटिकल सा नेशन है वहाँ पे मोस्टली एक ही रिलीजन के लोग हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रखने का कोई मतलब है होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सो और नो बोलो साक्षी वाई आर यू फाइटिंग इन द कमेंट बॉक्स हाँ <laughs> ये तो सबको डरा रही है माय गॉड साक्षी बताओ <laughs> अगर सारे सेम रिलीजन के लोग हैं तो क्या वहां मल्टीपल पार्टी सिस्टम होनी चाहिए अफकॉर्स होनी चाहिए इट डजेंट मैटर रिलीजियन इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन पॉलिटिकली मीनिंगफुल चॉइस तो होना चाहिए ना जनता के पास या नहीं होना चाहिए इफ़ देर वुड जस्ट बी वन पॉलिटिकल पार्टी और टू पॉलिटिकल पार्टी पीपल विल नॉट हैव एनफ चॉइस विच मीन्स दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक गुड डिसीजन्स इन ऑर्डर टू हैव गुड डिसीजन विच कैन अफेक्ट मैक मोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पॉजिटिवली वी शुड हैव अलॉट मैनी ऑप्शन्स बिकॉज इट कैन अब्ज़ॉर्ब मल्टीपल ओपिनियंस इट कैन अब्ज़ॉर्ब डाइवर्सटी इट कैन अब्ज़ॉर्ब वेरियस आइडियाज़ फ्राम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल रिलीजन एक होने से क्या हुआ कंट्री के अंदर अमीर गरीब लोग हो सकते हैं मेल फीमेल हो सकती है ठीक है कन... मतलब कंट्री के अंदर बहुत सारे सोशल डिविजन्स हो सकते हैं ना तो हम रिलीजन के बेसिस पे सिर्फ थोड़ी डिसाइड कर लेंगे कि सिंगल पार्टी होनी चाहिए टू पार्टी होनी चाहिए या मल्टीपल पार्टी होनी चाहिए है <laughs> कि नहीं बताओ और देखो एक सिंपल सी बात ये है ना कि कोई देश अपना पार्टी सिस्टम चूज़ भी नहीं कर सकता भाई मैं बोलूं कि नहीं नहीं चलो अभी इंडिया में ना बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है अरे यार बहुत टेंशन हो जाती है मैं इलेक्शन में जाती हूँ ना वोट डालने उफ समझ ही नहीं आता है क्या चूज़ करूँ क्या नहीं चूज करूँ ये मेरा वॉड्रोब नहीं है कि मेरे सौ कपड़े हैं उसमें से पचास कपड़े मैंने निकाल के किसी और को दान दे दिया पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग विच वी कैन चूज़ पीपल कैन चूज़ It evolves over a period of time. Since India is a very big and diverse country, that is why we have multiple party system. And history also, history is also, history also plays a very important role. हम लोग कॉलोनी रहे हैं भाई है ना जिसमें इतने सारे किंगडम्स हुआ करते थे इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे तो उस हिसाब से फिर पार्टीज़ बनती चली गई सिंपल सी बात है तो कोई सा भी कंट्री हो बेटा रिलीजन के बेसिस पे कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है ना ये याद रखो एस इज द रीजन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सब ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया वन पार्ट ऑफ इंडिया अब बताओ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा वहाँ पे वुलन इंडस्ट्री नहीं है और जो नदर इंडिया है वहाँ पे बहुत सारी वुलन इंडस्ट्री है ऐसा क्यों है ये तो भाई क्लास फाइव का बच्चा भी बता देगा आई वॉन्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स जल्दी से बताओ चलो एवरी वन ट्वेंटी फोर्थ नंबर क्वेश्चन टू मार्क आंसर कृष्णा अंकित साक्षी माई गॉड वॉट आर यू गई इज डूइंगट इज गोइंग ऑन चलो चलो आंसर बताओ फटाफट से देखो बच्चों सोशल साइंस के अंदर ना लैंग्वेज को ही थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है

दी डे नेवर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट नेवर एवर राइट बिकॉज क्लास सिक्स याद करो सी ब्रीज लैंड ब्रीज सो दैट इज़ वाई द सदर्न इंडिया विल नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर द इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम विंटर्स ओवर देयर जब होगी इन्हीं ठंड तो तुम वुल का दुकान लगा स्वेटर का दुकान लगा करके बेचोगे किसको लोग बीच पर थोड़ी स्वेटर पहन के घूमेंगे है <laughs> ना तो ये होगा ठीक है समझ आ गया दैट दैट इज द द रीजन बिकॉज वेदर डू नॉट सपोर्ट इंडस्ट्री ओवर देयर क्लाइमेट जो है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा उस इंडस्ट्री को ठीक है अ ड्रॉट इंड्यूस्ड वाटर शॉर्टेज कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लाइवलीहुड दे आर बाई सिग्नीफिकेंटली इम्पैक्टिंग ह्यूमन वेल बींग कहीं पर अगर ड्रॉट आ जाता है सूखा पड़ जाता है मतलब पानी की बहुत ज़्यादा स्केरसिटी हो जाती है ठीक है क्वान्टिटेटिव स्केर्सिटी क्वालिटेटिव की तो बात ही नहीं चल रही है तो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी फूड नहीं होगा इंडस्ट्री नहीं हो पाएंगी चल पाएंगी लोगों का लाइवलीहुड नहीं चलेगा ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन ओहो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से बोलो अच्छा चलो ये बताओ रिसोर्स जो हैं आई विल गिव यू हिंट ओके रिसोर्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और दे आर इंटर डिपेंडेंट वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या इंटर डिपेंडेंट हैं बताओ जैसे एम सी क्यूज खत्म हुए आंसर आने ही बंद हो गए देखो तुम एग्जाम में क्या सिर्फ एम सी ट्वेंटी मार्क्स करके आ जाओगे राइट right? 80 में से बाकी के जो सिक्सटी मार्क्स का पेपर है कोई नहीं करके आएगा दिस इज वॉट दिस इज वॉट आई थिंक बिकॉज़ यू पीपल डू नॉट आंसर वेन एवर आई स्टार्ट दिस पार्ट सेक्शन बी जैसे शुरू होगा सी होगा वैसे ही तुम्हारे आंसर आने बंद हो जाते हैं क्या करोगे तुम एग्जाम में हाँ अबब स्टेटमेंट शोज दैट ऑल द रिसोर्स आर इंटर डिपेंडेंट ओके एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ एक एक नंबर का ही इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है वैसे तुम चाहो तो फिर यहाँ पे ना वो बना कर आ सकते हो कि रिसोर्स प्लानिंग वगैरह का जो एक चार्ट था ना हमारा तीन स्टेप्स है पहले हम इन्वेंट्री आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिसोर्स प्लानिंग करते हैं फिर नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करते हैं क्योंकि सब कुछ इंटर होता है नेशन का डेवलपमेंट बहुत सारे रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी ठीक है हाउ डज अ सिचुएशन रिप्रेजेंट्स लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फिर से आ गया ना सो सो दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स द लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज ओनली द प्रॉब्लम वाज़ ओनली विद द वॉटर राइट इफ देर इज सर्टन एरिया विच ऑलरेडी हैज स्केरसिटी ऑफ वाटर और लेटर सपोज देर इज एन एरिया विच हैज एनफ वाटर but the meteorological department has kind of warned us about the upcoming drought situation. Then it is, it is government's responsibility to ensure a particular kind of resource planning, judicious resource planning, okay? So that it do not kind of start a chain reaction of problems. This is what, this is just a chain reaction of problems. A drought has come, agricultural productivity got affected. देन फूड रिसोर्सिज डिक्लाइंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग ह्यूमन बींग वेल बींग जो भी है ह्यूमन वेलबींग ऑल्सो गॉट अफेक्टेड सो एक जो चेन रिएक्शन ऑफ प्रॉब्लम है ना वो कम तभी होगी जब आप प्लानिंग कर इन जनरल ऑल्सो लाइफ में अच्छी प्लानिंग करोगे तो जो कि आई एम स्पीकिंग ब्रूटल ट्रूथ बहुत ही डिफिकल्ट होता है इम्पॉसिबल टाइप ऑफ चीज़ें होती है मेरे को लगता है दुनिया में दस प्रतिशत लोग ही प्लानिंग पर चल पाते हैं बाकी नाइन्टी प्रतिशत तो नहीं चल पाते हैं सरकार चलाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम द गवर्नमेंट ना कि अरे सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है वैसा नहीं कर रही है हम घर की प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं बताओ सरकार को पूरे देश की प्लानिंग करनी है डिस्कज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट इफ इंडिया ऑपरेटेड विदाउट अ फेडरल सिस्टम अगर इंडिया में फेडरल सिस्टम नहीं होता तो फिर क्या होता बिल्ड द आंसर आउंड दीज पॉइंट देखो आपको हिंट भी दे दिया यार और क्या चाहिए रीजनल ऑटोनॉमी इफेक्टिवनेस इन गवर्नेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर फेडरल सिस्टम नहीं होता तो ये तीनों प्रॉब्लम्स होती वही आपको बताना है अगर फेडरल सिस्टम नहीं होता देर वुड नॉट हैव बीन रीजनल ऑटोनॉमी एट द स्टेट लेवल सो इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट टू फॉर्म्यूलेट द पॉलिसीज काइंड ऑफ इज ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस राइट बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक द पॉलिसी विच विल अफेक्ट द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट मीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म्यूलेट यूनिफॉर्म पॉलिसीज राइट वो लोग यूनिफॉर्म पॉलिसीज ही तो बनाएंगे ना नेशनल गवर्नमेंट वाले अगर फेडरल सिस्टम नहीं होगा तो लेकिन राजस्थान में जहाँ पे बिल्कुल ही बारिश बहुत कम होती है और मेघालय में जहाँ पे स्टेट में लाइक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है क्या दोनों जगह सेम पॉलिसीज वर्क करेंगी टेल मी कुछ मत बोलो तुम मैं फिर क्लास एंड कर रही हूँ सो आई विल टेक द क्लास देन आई विल टेक द सेकेंड पार्ट टूमोरो जब तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा ठीक है ऐसा करें दिस द जस्ट टू थ्री क्वेश्चंस आर रिमेनिंग फ्रॉम दिस सेक्शन सेक्शन डी हम लोग फिर कल कर लेंगे ठीक है ओके सो देयर विल नॉट बी इफेक्टिवनेस इन द गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल आल्सो गेट डिलेड क्यों डिलेड होगा बिकॉज भाई हर स्टेट अपना अपना प्रॉब्लम लेकर आएगा कोई स्टेट को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी देखो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है बेटा ब्रिटेन के जैसा नहीं ब्रिटेन भी चलो फिर भी थोड़ा बड़ा कंट्री होगा इंग्लैंड के जैसा नहीं है इंग्लैंड इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री एक राजस्थान बनाने के लिए भी तीन इंग्लैंड चाहिए तो इंग्लैंड में भी अगर सपोज करो सिर्फ एक गवर्नमेंट होती एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूके में होती तो भी काम चल जाता फिर भी वो लोग फेडरलिज्म अपना के बैठे हैं तो इंडिया जैसे देश में बिना फेडरलिज्म के कैसे काम चलेगा इतनी बड़ी कंट्री है वन फोर्टी करोड़ पॉपुलेशन है है ना बीस पच्चीस इंग्लैंड को करके एक इंडिया बनाया जा, जा सकता है तो विदाउट फेडरलिज्म इंडिया के नॉट वर्क मतलब इंडिया में मुझे तो नहीं लगता और कोई काइंड ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मुझे पता है तुम लोग डिक्टेटरशिप बोलना शुरू कर दोगे या कुछ और बोलना शुरू कर दोगे दीदी <laughs> -दी टेंथ प्लीज़ कुछ मोटिवेशन दे दो बेटा पढ़ लो बस अभी दो महीने ही पढ़ने हैं है ना उसके बाद फिर प्री बोर्ड बोर्ड सारे एग्जाम आ जाएंगे इतना ही मोटिवेशन दे पाऊंगी मैं इंडियन रेलवेज हैज़ लार्जली बीन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट प्लेयर्स आर मेकिंग एन एंट्री इन टू द इंडियन रेलवे मार्केट ऐसा कुछ नहीं है स्टेटमेंट वन इज टू स्टेटमेंट टू इज़ नॉट ट्रू अच्छा सॉरी इसमें नीचे क्वेश्चन भी था एक्सप्लेन व्हाट ट्रेंड डू दीज स्टेटमेंट वन एंड टू रिफ्लेक्ट इन द रेलवे सेक्टर इन इंडिया ओके 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 अच्छा ठीक है ये सर्चन रीजन नहीं है सो प्राइवेट प्लेयर्स आर मेकिंग एन एंट्री इनटू द इंडियन रेलवे मार्केट लाइक कुछ जो रेल ऐसा देखो रेलवे मार्केट के अंदर एंट्री का मतलब ये नहीं है कि उनको रेलवे ट्रैक्स ले करने के लिए हम दे रहे हैं या मतलब मेन ऑपरेशन्स जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर्स नहीं ले रहे हैं दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ वन स्टेशन जैसे एक हबीबगंज करके पहले एक स्टेशन हुआ करता था जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है रानी कमलापति इवन मुझे नहीं पता जनरल नॉलेज है ये तुम चेक करना रानी कमलापति स्टेशन है तो वो स्टेशन को ना अब प्राइवेटली बेसिकली मेंटेन किया जाता है बट ऐसा नहीं है कि तुम टिकट खरीदने वहां पे जाओगे तो इंडियन रेलवेज नहीं वहां पे बेसिकली होगी होगी लेकिन स्टेशन का मेंटेनेंस जो है वो प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो कर रही है सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ट्रेंड सो बेसिकली सी नन ऑफ द गवर्नमेंट वुड भी इंटरेस्टेड इन डूइंग द बिजनेस बिकॉज गवर्नमेंट का काम गवर्न करना उसका काम बिजनेस चलाना नहीं है बट सिंस इंडिया इज अ वेरी यूज कंट्री और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं इसीलिए डायरेक्टली हम लोग प्राइवेट के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मेकिंग ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है तो इसलिए इंडियन रेलवेज में थोड़ा आपको दिखेगा बट ऐसा हंड्रेड परसेंट तो खैर हो ही नहीं सकता और ज्यादा मैक्सिमम कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट करेगा विथ सेक्टर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इज प्रेफरेबल फॉर कम ऑन गाइज आंसर मी इन वन वर्ड आंसर करो अगर आपको मौका मिले तो कहाँ काम करोगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बोलो <laughs> Rinko is saying organized sector. That's great. <laughs> Why? Because it is registered by the government, there's job security, there are other added benefits. जैसे आपको पेड लीव्स मिलती हैं ग्रेजुटी मिलती है पी पी एफ वगैरह सब कुछ मिलता है डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज पेपर्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ये हिस्ट्री का है ठीक है और ये प्रिंट कल्चर का है जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेक्शन डी ई एंड एफ ये तीन सेक्शन बचा हुआ है बच्चों जो कि हम लोग करने वाले हैं कल ठीक है ओके okay. तो बच्चों आप सबको बताया मैंने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस विच इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन टेन ये जाकर के एन एस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो आप आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एनअकैडमी पर मिलेगी प्रिवियस या क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेबस डी पी पी स्ेड्यूल एवरी थिंग विल बी देयर थोड़ा सा कष्ट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको विजिट करो यू विल गेट टू नो वॉट इज़ एन एस सी जे एस इट्स अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन नेशनल गवर्नमेंट खुद आपको लाइक जूनियर्स स्कॉलर्स ऐसे डिक्लेयर करती है ठीक है सो डेफिनेटली आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए एंड जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द लिंक आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा एंड कहीं पर अगर कोड मांग रहा है तो आप आर एस आई टी कोड लगा सकते हो ठीक है बच्चों